प्यारे छात्रों, मैं शांतिनाथ झा आज मैं तृतीय वर्ष के छात्रों को संस्कृत में अष्टम पाठ विशेषणम से प्रश्नोत्तर कार्य कराने जा रहा हूँ। तो संख्या वन, निम्नलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तरानी लिखक, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भारत देशे अनेकानी कानी सन्ति, उत्तरम भारत देशे अनेकानी वनानी सन्ति। ख, वनस्पतयः कुत्र भवन्ति, उत्तरम वनेषु वनस्पतयः भवन्ति। ग, मधुराणि फलानि कुत्र फलन्ति, उत्तरं वृक्षेषु मधुराणि फलानि च फलन्ति। घ, वानरा कानि भक्षयन्ति, उत्तरं वानरा फलानि भक्षयन्ति। संख्या टू, सम्यक विकल्पों की चिन्हेन चिन्हांकितं कुरुता, सही विकल्प को सही चिन्ह से चिन्हांकित करें। हंसा भवति श्वेता, ख, काका भवति कृष्णा, ग, गदा भवति स्थूला। संख्या थ्री, निम्नलिखितेषु वाक्येषु संज्ञा विशेषणं च किं च, शोभनः छात्रः, छात्रः संज्ञा, शोभना विशेषं। ख, चत्वारः आश्रमा, आश्रमा संज्ञा, चत्वारः विशेषं। ग, पूजनीया गंगानदी, गंगानदी संज्ञा, पूजनीया विशेषं। समुद्रः संज्ञा, विशालः विशेषणम्। संख्या चार, दत्तेभ्यः विशेषणेभ्यः उचित रूपे रिक्त स्थानानि पूरय, दिए गए विशेषणों के उचित रूपों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क, रमा एका सुशीला बालिका अस्ति, कर्णौ द्वौ भवतः। ग, एतानि फलानि पत्वानि सन्ति, घ, बालकः शोभनां वाटिकां पश्यति। संख्या पाँच, संस्कृत अनुवादन कुरुता, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। कौआ काला होता है, काकः कृष्णा भवति, ख, घोड़ा तेज दौड़ता है, अश्वा पिपरा धावती, ग, हाथी धीरे धीरे चलता है, गदा चढ़ाई चढ़ाई चलती। धन्यवाद।